हम देखेंगे कैसे हम 2D मॉडल से 2D शेप से 3D शेप्स बना सकते हैं। जैसा कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि यहां पर 2D शेप्स हमने निकाल रखी हैं। ये एक आयत है, यह एक वृत्त है और यह एक त्रिभुज है। इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के द्वारा यदि मोटर की मदद से इसको घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यह एक बेलन बन जाता है। इसी प्रकार से एक वृत्त को यदि हम घुमाएंगे तो यह एक गोला बन जाता है, और इसी प्रकार से यदि एक त्रिभुज इसको 3D की तरह से घुमाएंगे तो यह एक शंकु बन जाता है। छोटे बच्चों को ये 3D शेप्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 2D शेप्स को घुमाकर हमने इस मॉडल के द्वारा बच्चों को यह समझाने का प्रयास किया है कैसे 2D शेप्स से 3D शेप्स बनाई जा सकती है।